गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या पहना है। इसे कहते हैं झुड़की, जो कि हमारे हिमाचल में पहनी जाती है। जैसे वी हैव कुल्लू की ड्रेस होती है, कुलवी ड्रेस, किन्नौरी ड्रेस, और हमारे कोटगढ़ की ड्रेस भी होती है जो कि रेस्टा होता है, वैसे ही ये हमारे जुब्बल, रोड़ू, कोटखाई, इस जगहों पे ये पहनी जाती है, जो कि है झुड़की। और ये बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगती है। इसको हम अभी जो मैं पहनूंगी इसके साथ, जो हम मेरे कहते हैं ना इंसेस्टर्स ज्वेलरी है, उसको मैं पहनूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि इट इज वेरी प्रिटी। उसको पहन के इसकी ग्रेस और भी ज्यादा अच्छी लगती है। और ये यूजुअली हम मैरिजेस में, किसी फंक्शंस में पहनते हैं इसको, और ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसको पहन के। और हम यू नो हिमाचल में यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमारे कल्चर में हम बहुत ज्यादा रिच है। बस हमारी सिर्फ कमी कहाँ आती है कि हम बीइंग हिमाचली इस चीज को प्रमोट नहीं कर पाते। और आई थिंक झुड़की को भी बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा आज मैं झुड़की जो ये मैंने पहनी है इसको मैं प्रमोट करूंगी। प्रमोट इन सेंस इसलिए करूंगी क्योंकि आप भी इसको पहनोगे तो यू विल फील वेरी वेरी गुड। और इसमें बेसिकली जो कपड़ा यूज हुआ है वो एक शनेल का कपड़ा है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अंदर से भी एक मैंने शनेल का सेट पहना है विद प्रॉपर सूट, आई वुड से मैंने अंदर से डाला है विद ब्लैक बेलीज। तो अब मैं आपको अपनी ये एक एक करके जो इसके आभूषण है, एंसेस्टर्स आभूषण है, उनको मैं दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी हाउ आई लुक टुडे। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो आपको मैं दिखाती हूँ गाइस। ये देखो मेरी एंसेस्टर ज्वेलरी कितनी ज्यादा सुंदर है। तो फर्स्ट जो ज्वेलरी है वो आपके धाठू के ऊपर लगती है, जो कि है ये। और ये मानिए ये एक सर का ताज होता है एक वुमेन का, और इसको पहन के एक वुमेन बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, पहाड़ी वुमेन तो बहुत ही ज़्यादा। और जो सेकंड है वो हमारे झुमके हैं। थर्ड है, इसे हम चंद्रहार कहते हैं, और इसको पहन के भी एक अलग से ही ग्रेस, एलिगेंट लगती है वुमेन। फोर्थ ये है कमरबंद। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और आप देख सकते हो ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहा है। शक्ल पे मत जाना बट ज्वेलरी पे जाओ, सबसे ज़्यादा ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ एंसेस्टर ज्वेलरी, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखो ये चंद्र हार देखो, और मैं आपको बताऊँ ये इतना ज़्यादा हैवी है ना, मतलब सोना वोना कुछ नहीं है इसके सामने। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये कमर बंद जो कि मैंने पहना है, और ये आप उसको अंदर से भी पहन सकते हो, बट मुझे लगता है शायद मैंने ठीक ही पहना है इसको, मैंने बाहर से पहना है। और ये देखो जो मैं कह रही थी ना सर का ताज जो वुमेन्स का होता था पहले के ज़माने में, पहनती थी लेडीज़ डाठू के ऊपर। और ये कितना ज़्यादा सुंदर है, इसकी ग्रेस देखो, टीक देखो जो साइड की है। आजकल हम क्या करते हैं, वैसे तो मैंने भी किया वैसे अपनी वेडिंग में, हमने ऐसा पूरा एक माथा पट्टी ली है और पूरा हम ऐसे एक आर्टिफिशियल तरीके से पहनते हैं या गोल्ड में लेते हैं। बट ये पहले की ज्वेलरी है जो कि सिल्वर ज्वेलरी है, ये हमारे नानी, दादी, मम्मा सबके पास होती थी। और ये वैसे बेसिकली ये एंसेस्टर ज्वेलरी है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और ये एंसेस्टर ज्वेलरी है, ये नानी की है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है झुमके, विच इज़ सो प्रिटी, ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे हैं। तो क्या मैं आज मिनी व्लॉग मेरा बेसिकली इसी की था कि मैं आपको दिखाऊँ कि हमारे पहाड़ी अटायर कैसा होता है। बेसिकली ये अटायर जो हमारा पहने जाता है वो जुब्बल, कोटखाई, रोड़ू, इन एरियाज में पहना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कोटखाई का अटायर डिफरेंट है, और जो अटायर आपका कुल्लू का अटायर डिफरेंट है, उनकी कुल्लू ड्रेस है। सो हर जगह का हिमाचल में अलग अलग अटायर है। तो ये हमारा जुब्बल रोड़ू का अटायर है, अपर शिमला का एरिया, ठियोग से ऊपर जो भी एरिया आते हैं वहाँ का अटायर है, और इसे झुड़की कहते हैं। जो मैंने नीचे से भी पहना है वो मैंने शनेल का सूट पहना है वो सा, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप इसको किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो, बट अब आजकल यू नो ऐसा ट्रेडिशन आ गया है, शायद हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार ये कौन पहनेगा, बट ऐसा नहीं है। इसको पहन के आपकी ग्रेस और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। आई थिंक मैं थोड़ा सा 1% सुंदर तो लगी रही होंगी, बाकी मुझे नहीं पता, पर मुझे ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है क्योंकि इसको पहन के कुछ अलग ही फील आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो सनसेट भी हो रहा है और मैं अपने ब्यूटीफुल से घर पे एंजॉय कर रही हूँ, और ये मेरा मिनी ब्लॉग था। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक
के लिए। हाँ।